Me? So we will wait for a half a minute ताकि ज़्यादातर लोग join कर लें. Very good morning to all of you. Can you please comment कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है? किसी का comment नहीं आया मुझे अभी तक. Please comment. Okay. So good morning, Priyamda, Anuj, Rajkumar. Hi. So chaliye start karte hain. I think voice and all things are clear. सब कुछ ठीक होगा, voice वगैरह सब कुछ. Okay. So हमारा आज का जो topic है वो है आपका February week 3 current affair. Good morning, इंदु बाला सिंह. Okay. So नमस्कार ओम प्रकाश मिश्रा जी, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार. ठीक है, तो start करते हैं हमारा lecture. और वीक 3 का पूरा करंट अफेयर जो है हम इस लेक्चर के अंदर यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो पहली खबर यहाँ पर निकलती है. गुड मॉर्निंग सोनिका. पहली खबर यहाँ पर निकलती है जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल अमेंडमेंट बिल 2018. ये एक जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ 13 अप्रैल 1919, उसके बाद जो है आजादी के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वहां पे जलियांवाला बाग का एक स्मारक जो है एक वहां पे मेमोरियल बनाया जाए. वो मेमोरियल बनाया गया बाय द जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल एक्ट 1951 एक्ट के द्वारा. ठीक है, बाकी उसमें क्या किया गया कि उस एक्ट के द्वारा बनाया गया जिसके अंदर क्या क्या प्रोविजन थे, उसके अंदर था प्राइम मिनिस्टर जो है उसके चेयरमैन होते थे, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके मेंबर होते थे, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द आपका कल्चर मिनिस्टर जो होते वो उसके मेंबर होते थे, साथ ही लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा जो है वो उसके मेंबर होते थे, और गवर्नर ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, और तीन जो है एमिनेंट जो पर्सन कोई विशेष व्यक्ति जो है उसके पर्सन होते थे. यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पर जो है वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो है वो भी यहाँ पर शामिल है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, तो एक तरीके से कि नेशनल बॉडी है उसके अंदर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो इंक्लूजन है वो एक तरीके से सही नहीं है. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है के अंदर यहाँ पर अमेंडमेंट प्रेजेंट किया. अकॉर्डिंग टू दैट अमेंडमेंट यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया एज ए ट्रस्टी. ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर ऐड करना ये थोड़ा सा शायद इट मे बी वो सही नहीं होता, इसलिए उसको रिमूव कर दिया गया. उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो बिल है वो अभी यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात की गई थी, आपको पता है कि अभी लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन कोई नहीं है, है ना, उसके लिए 10% का एक कोटा होता है, वो 10% कोटा किसी भी पार्टी के पास नहीं आया है. फॉर दैट पर्पज जो है अभी यहाँ पर उसको रिमूव करके द पार्टी ऑफ जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी का नाम यहाँ पर ऐड किया गया. ओके, सो ये उसका मेन पर्पज था सिंगल की अभी जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसके मेंबर को यहाँ पर ऐड किया जाए. उसके अलावा यहाँ पर जो जो जूरिस्ट की बात यहाँ पर की गई थी तो उनको जो है वो 5 साल के लिए यहाँ पर रखा गया एंड विल बी एलिजिबल फॉर रीनोमिनेटेड. जो 3 मेंबर थे वो वापस रीनोमिनेट वहां पर फिर से पुनः नियुक्ति उनकी हो सकती है. तो ये अमेंडमेंट जो है इस एक्ट के द्वारा यहाँ पर लाया गया. खैर अभी लोकसभा में लाया गया था, उसको पास वगैरह नहीं हुआ है. अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो अर्बन अफेयर मिनिस्टर ने आपके जो आपके हरदीप एस पुरी हैं उन्होंने एक नया ऐप, इट्स कॉल्ड PMAYU ऐप, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ऐप जो है वो ऐप उन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया है ऑन द 14th of Feb. अभी देखो उसका पर्पस यहाँ पर ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बहुत सारे घर वगैरह बनते हैं, उसमें 2-3 अलग अलग चीजें जो आप वहाँ पे कर सकते हो. पहला यहाँ पर है कि अगर आपको अपने घर के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, वैसे उसके लिए काफी लंबी वेटिंग चल रही है, तो वेटिंग के बावजूद भी आप जहाँ वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. दूसरा यहाँ पर जो मेन होता है यहाँ पर ये है कि अगर आपका घर बन गया है तो आप उसका फोटोग्राफ और आपके वीडियोस वगैरह आप उसके लेकर आप उस साइट के ऊपर अपलोड कर सकते हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद आपका घर कंप्लीट हो गया उसके बाद आप अपलोड कर सकते हो, तो गवर्नमेंट को ये आश्योर हो जाएगा कि हाँ आपने जो घर है वो घर बनाया है, और उसके बाद गवर्नमेंट उसको प्रमोशन के लिए अपने जो उपयोग है उपयोग के लिए यहाँ पर प्रमोशन के लिए जो है वो यहाँ पर उपयोग उसका कर सकती है. ओके, तो ये यहाँ पर 2 मेन मोटिव जो है वहां पर उसके रखे गए थे जहां पर इसको इस मोटिव के लिए यहाँ पे इसको इस ऐप को जो है वो लॉन्च किया गया. ओके, सो जस्ट वेट. तो अगली खबर की यहाँ पर बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी को एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन, इट्स नेम इज द वंदे भारत,
वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको इनोग्रेशन उनसे किया दिल्ली से। ये जो ट्रेन है ये दिल्ली से लेके वाराणसी तक जो है, दिल्ली से लेके वाराणसी तक ये ट्रेन चलेगी। और ये ट्रेन जो है अभी 160 किलोमीटर पर आर के हिसाब से, मतलब उसका जो स्पीड है उस स्पीड से यहाँ पे चल सकती है। ठीक है, तो ये कैपेसिटी हमने खुद ने हमारे देश के अंदर डेवलप की है। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी अदर वन, हमें किसी और के ऊपर डिपेंड इसमें नहीं थे ना। पूरा टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। अभी ये जो है दिल्ली से लेके वाराणसी का जो टाइम है वो 15% तक यहाँ पे कवर करे, कम करेगी। अभी आप शताब्दी से जाते हो तो उससे 15% कम टाइम जो है आपको कम मिलेगा। ये जो आपका कोच है, ये पूरा ट्रेन जो है, इट्स कॉल्ड द मेन नेम इज द ट्रेन 18, जो अभी तक यहाँ पे चल रहा था है ना, उसके बाद में रीनेम इसका किया गया। ये चेन्नई की जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री है उसके द्वारा उसको 100 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया। पूरी तरह से हाईली आपका एयर कंडीशन, पूरी फुल्ली एयर कंडीशनर है, सीसीटीवी कैमरा से इक्विप्ड है, और उसके अंदर जो है काफी अच्छी फैसिलिटीज है। जैसे कि इसके अंदर जो आपकी चेयर्स हैं एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर, वो पूरी रिवॉल्विंग चेयर है, पूरी तरह से गोल घूम जाती है। अभी आप यहाँ पर देखोगे कि इसके अंदर पूरा जो इसका इंटीरियर है, इट्स जस्ट लाइक अ प्लेन, जैसा आपका एरोप्लेन में होता है उसी तरह का यहाँ पर इसका पूरा इंटीरियर यहाँ पर है। बहुत अच्छा इंटीरियर यहाँ पर इसका बनाया गया है। ओके, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो आपको जैसे पता है कि 14 फरवरी को, 14 फरवरी को उड़ी के सॉरी पुलवामा के अंदर जो है एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसके अंदर हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान जो है, 40 जवान शहीद हो गए। और उसके बाद पूरे देश के अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था, एंड दैट पर्पज जो है गवर्नमेंट ने जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है पाकिस्तान से वापस ले लिया। हमने भी सारथी ग्रुप ने एक इवेंट किया था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो जितने भी शहीद हैं उन लोगों के लिए फंड रेज किया था। और आपको यकीन होगा, यकीन नहीं आएगा कि टोटल जो है हम लोगों ने मिलकर 25,000 मतलब 25,000 रुपए हमने फंड 3-4 दिन के अंदर इकट्ठा कर लिया। और उनमें से जो है वो आधा पैसा जो है वो जबलपुर के हमारे जो शहीद हैं अश्विनी कुमार काची, उनको आज ही हमारे एक स्टूडेंट है रविशंकर, वो आज उनको चेक देने जाएंगे, डीडी देने जाएंगे एक्चुअली, नॉट चेक। और बाकी पैसा जो है हम जो कॉर्पस फंड है आपका भारत के वीर, उसके अंदर यहाँ पे डोनेट करेंगे। तो स्टूडेंट ने काफी अच्छा पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे प्रूव होता है कि राष्ट्रभक्ति से कोई बड़ी भक्ति नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए वापस इसी के ऊपर आते हैं। मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा है वो पाकिस्तान को यहाँ पे वापस ले लिया गया। क्या होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी देखो WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अभी इसके पहले जो वो उसको बुलाया था GATT, इट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, GATT बुलाया था, बाद में उसका नाम चेंज करके WTO गया। तो वहां पर यह है कि कंट्रीज जो है एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का, सबसे अच्छे देश का, या फिर अपने सहयोगी देश का दर्जा देती थी, जिसके अंतर्गत वो जो देश है वहां पर आपको अगर ट्रेड करना होता था वहां पे काफी सहूलियतें उस देश के अंदर यहाँ पे मिलती थी। तो भारत ने जितने भी सार्क कंट्रीज है सबको मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा है। अभी यहाँ पर क्या होता है कि उन कंट्रीज के अंदर आप फ्री ट्रेड कर सकते हैं, जैसे वहां के व्यापारियों को जैसे फैसिलिटीज मिलती है वैसे इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको वहां पर मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन आपसे वहां पर नहीं किया जाएगा, कोई विभेद वहां पर नहीं किया जाएगा कि आपका माल नहीं आ सकता, आपके मिल का ज्यादा चार्ज लगेगा एंड ऑल दैट। ठीक है, तो ये हुआ था। अभी भारत ने सभी सार्क कंट्रीज को जो है वो MFN का दर्जा दिया। एक अजीब सी आपको बात बताता हूँ कि पाकिस्तान ने सभी सार्क कंट्रीज को आपका जो MFN का दर्जा दिया है एक्सेप्ट इंडिया, भारत को नहीं दिया, बाकी सबको उसने MFN का दर्जा दिया है। ओके, और हम अभी तक जो MFN का दर्जा उसको देके बैठे थे। और उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे 200% जो ड्यूटी है पाकिस्तान से होने वाले इंपोर्ट के ऊपर और एक्सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे लगा दी। पाकिस्तान से कुछ भी खरीदो 200% ज्यादा आपको वहां पर देना पड़ेगा। अभी आपने न्यूज वगैरह के अंदर देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर टमाटर वगैरह जो है वो काफी ज्यादा महंगे हुए हैं, महंगे क्या मतलब इट्स अबाउट द लिमिट है ना, 200-250 रुपया कुछ किलो वहां पर टमाटर हो गया है। तो ये जो है वो भारत ने अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काफी इस तरीके स्टेप्स जो है भारत ने उठाए हैं, उसमें से एक ये आपका MFN का दर्जा वापस लेना एक इम्पोर्टेंट चीज थी। उसके बाद आपको जैसे बताया कि अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल बन रहा है, और अभी अमरावती के अंदर जो है देश का पहला डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर लगाया जाता है। जैसे आपको बताया कि आपके घर या ऑफिस के अंदर जो है जनरली एक सेंट्रल कूलिंग सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत एक पूरा प्लांट लगा होता है आपके कूलिंग का, और उसी से जो है वेंट्स के द्वारा आपके जो ऑफिस हैं या घर हैं जहाँ पर भी वहाँ पर जो है वो कूलिंग वहाँ पर उसके वेंट के द्वारा आती है। तो सेम उन्होंने यहाँ पर किया है, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे UAE की एक कंपनी है उससे यहाँ पर समझौता किया है 30 साल के लिए, जहाँ पर पूरा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक प्लांट लगाया जाएगा, और उस एक पर्टिकुलर जो प्लांट होगा उस प्लांट से पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसको भी अगर AC वगैरह की फैसिलिटी चाहिए वहाँ पर उसको चिल्ड वाटर स्ट्रीम या हॉट वाटर जो है वो वहाँ पर उसको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे अपना एयर कंडीशनिंग का काम जो है वो वहाँ पर कर सकेगा। ठीक है, तो अभी पूरे हर अलग अलग जगहों पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहाँ पर एक डिफाइंड टेम्परेचर के
साथ में आपको जो सप्लाई है आपके एयर कंडीशन का वो प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे गवर्नमेंट ने अभी कुछ टाइम बोला था कि 24 डिग्री जो है एक स्टैंडर्ड सेट करने की बात की थी, तो यहाँ पर वही होगा कि 24 डिग्री का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड पे आपको जो है उस टेम्परेचर पे आपको जो कूलिंग है कूलिंग वहां पे मिलेगी। तो अमरावती एक बहुत ही हाईटेक सिटी अभी नया कैपिटल बन रहा है, जो शायद इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो है सिटी एस्टैब्लिश हो रही है प्रदेश के अंदर। अगली खबर की बात करें तो WPI इन्फ्लेशन जो है वो अपने 10 महीने के सबसे निचले स्तर के ऊपर आ गई है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, दो तरह से इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति आप मेजर करते हैं, एक है आपका WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है आपका CPI ठीक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो भी यहाँ पर होलसेल मार्केट के जैसे कोई मंडी है, अब मंडी के अंदर जो भी रेट चल रहा है या फिर आपके जो जैसे इंदौर के अंदर सियागंज है जो भी मेन मार्केट है उन मेन मार्केट के अंदर जो रेट चल रहा है उसको यहाँ पे मेजर किया जाता है सब्जी मंडियों के अंदर, बड़ी जो सब्जी मंडियां होती है जैसे चौथराम है इंदौर के अंदर, ऐसी मंडियों से यहाँ पर रेट्स लिए जाते हैं। जबकि CPI के आम जो दुकानें होती है आपके घर के आसपास जो किराने वगैरह की दुकान या फिर दूसरी जो दुकानें होती है वहां से डेटा कलेक्ट किया जाता है ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारा जो अभी मेन जो आपका अभी हम जो CPI का डेटा आता है जो इन्फ्लेशन उसको मेन बोलते हैं वो CPI से मेजर किया जाता है, पहले वो WPI से होता था लेकिन अब CPI से उसको मेजर किया जाता है। और अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग जो है वो जनवरी 2019 के अंदर 2.76% जो है 2.76% जो है वो आपका GDP का डेटा WPI का डेटा यहाँ पे रहा था जो पिछले 10 महीने में सबसे कम है। अभी 3.8% जो है अभी यहाँ पर दिसंबर 2018 में था और अभी जनवरी 2018 में 3%, तो काफी ज्यादा इसके अंदर डिक्लाइन हुआ है। वैसे जो RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत जो है आपका इन्फ्लेशन जो है वो 4+-2 की रेंज में रहना चाहिए, मतलब 2% से 6% जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने यहाँ पर ये डिसाइड किया है कि इस रेंज के अंदर इन्फ्लेशन रहेगा तो देश के लिए काफी अच्छा है। एक समय था जब देश के अंदर 12%-10% जो है इन्फ्लेशन हुआ करता था, लेकिन अभी इन्फ्लेशन जो है हमारी महंगाई दर काफी ज्यादा कंट्रोल के अंदर है, ऐसा ना हो कि ये नेगेटिव में चला जाए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो है वो नेगेटिव में चली गई उसके कारण वहाँ की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई थी। तो हमारे यहाँ जो है वो एक लेवल के अंदर हमने उसको मेंटेन करके रखा है। ओके सो मुझे कमेंट, हाँ अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी वगैरह आपका जो भी कंसर्न है वो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी क्लास के अंदर अगर इस तरह के क्वेश्चन आप पूछोगे तो क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, क्लास के आखिरी में आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ठीक है। तो बेसिक से इसलिए नहीं ले रहे कि इंडियन ज्योग्राफी MPPSC के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है, और वो उससे ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स के अंदर आते हैं, उस समय ऐसा था कि प्रीलिम्स आने ही वाला है अब, तो उसके कारण उसको स्टार्ट किया गया था। स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करूंगा अभी एक दो दिन बाद, जो आपके बेसिक्स है वहां पर स्टार्ट हो जाएगी। ओके सो 1 मार्च के बाद आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर वो मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सो अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक स्कीम है कॉल्ड द CLCS TUS स्कीम जो है उसको यहाँ पर स्कीम को यहाँ पर कंटिन्यू किया है। क्या है ये स्कीम, इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। इट्स कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम CLCS TUS। तो अभी आपके जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो है MSME सेक्टर्स की जो आपकी कंपनीज हैं, इन कंपनीज को जो है अभी गवर्नमेंट द्वारा काफी सारी छूट दी जाती है कि अगर इनको कोई लोन लेना है या फिर इनको कोई मतलब बैंक से लोन लेना है, कमर्शियल लोन लेना है, तो उसके अंदर उनको सहूलियत यहाँ पर मिलती थी कि उनको 15% जो है वो उनको यहाँ पर जो छूट है वो मिल जाती है। जैसे 1 करोड़ का लोन लिया उन्होंने तो दे हैव टू पे ओनली 85 लाख रुपीज उनको पे करना है, तो 15% का उनको डिस्काउंट मिल जाता था। ये जो स्कीम है ये मार्च 2019 तक के लिए ही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज कर दिया कि अभी कंटिन्यू ये स्कीम जो है चलती रहेगी, जिसके अंदर 2900 करोड़ जो है वो खर्चा अभी गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे आएगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो नासा का मार्स रोवर जो है उसको 15 साल के मिशन के बाद उसको जो है क्लोज कर दिया गया है ठीक है। तो नासा ने क्या किया था कि जनवरी 2004 के अंदर जनवरी 2004 उसने दो अपने रोवर्स जो है रोवर्स उसने स्पेस के अंदर भेजे थे, एक था आपका अपॉर्चुनिटी और दूसरा था आपका एस्पिरेट, तो इन दोनों को वहां पर भेजा था। लेकिन अभी क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटी है अभी वहां पर कुछ इवेंट्स वगैरह कुछ होते हैं, कुछ भूगर्भी घटनाएं होती है, उसके कारण जो आपका अपॉर्चुनिटी है वो जो है वो यहाँ पर वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाता है और उससे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पृथ्वी के ऊपर टूट जाता है। तो उसके कारण जो है अभी उन्होंने डिसाइड किया कि उसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, और अभी जो स्पिरिट है वो स्पिरिट का काम भी बंद कर दिया, तो स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी दोनों बंद कर दिए जाएंगे। आपको याद रखना है कि स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी जो है वो मार्स के ऊपर आपके मंगल के ऊपर जो है वो वहां पर रिसर्च करने के लिए नासा द्वारा भेजे गए थे। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया का स्पेस अगर हम बात करें, इंडिया का जो स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया स्पेस एजेंसी, इसरो। ओके पता है, मतलब कमेंट करो मुझे पता चलेगा कि कितने लोग ऑनलाइन है।
Good. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बेहतरीन, आप कह सकते हैं कि स्पेस एजेंसी है जो काफी ज्यादा हमारा नाम ऊंचा कर रहा है। चलो, काफी सारे लोग ऑनलाइन है, चेक वही करना था। ओके, सो अगला जो है FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट, सोनी का। यस, इट्स सोनी का। ओके, सो दो नाम है, सोनल सोनी का। बड़ा समझ नहीं आता कि वो नाम भी एक जैसे, स्पेलिंग भी एक जैसी है। ठीक है, थोड़ा देखना पड़ता है पास से जाके कि व्हाट इज द एक्चुअल नेम। ओके, सो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जो है अभी उसके अंदर यहाँ पे जो आपका इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसने यहाँ पर अवार्ड घोषित किए हैं, जिसके अंदर FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो आर्थर वैन डॉरेन जो है बेल्जियम के, उनको सम्मान किया गया है। जबकि वुमेन्स के अंदर इवा डे गॉइट जो है नीदरलैंड की, है ना। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर इट्स अ विंसेंट वेंसेज, और वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो वुमेन गोलकीपर ऑफ द ईयर है इट्स मोटी हेंज। ओके, राइजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर है आपका आर्थर डे स्लूवर इन द मैन के अंदर, और वुमेन के अंदर जो है लुएन दे वेन हैंडे अर्जेंटीना की। आपको जो है ये दो याद रखना पड़ेंगे, है ना। बाकी आप गोलकीपर अगर याद नहीं रखोगे चलेगा, ये दो तो आपको बेसिकली याद होना ही चाहिए। ओके, सो बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर। यहाँ पर सुशील चंद्र जो है इज अपॉइंटेड एज ए न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत के नए चुनाव आयोग उनको नियुक्त किया गया है। उसके पहले वो CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर यहाँ पे CBDT, ओके, उसके अंतर्गत यहाँ पर इसके अध्यक्ष थे और उसके चेयरमैन थे। अध्यक्ष मतलब वही होता है, ठीक है। अभी ये जो है यहाँ पे कमीशन को ज्वाइन करूंगा। आपको बता दूं कि कमीशन के अंदर तीन मेंबर्स होते हैं। एक होता है आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, जो भी कौन है, कौन है अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जल्दी बताओ यार, हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुनील अरोरा। वेरी गुड, साइड पे लिखा हुआ है ना। उसके बाद भी तो टाइम लग रहा है, सबसे पहले नवाज आंसर देता है उसके बाद बाकी लोग देते हैं। कम ऑन फास्ट यार, क्या कर रहे हो। ओके, तो नींद नहीं खुली क्या संडे को, तो मेरी तो खुल गई है, आप लोगों भी अपनी नींद खोल ले। सुनील अरोरा, वेरी गुड, ठीक है। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अभी देखो ऐसा नहीं है कि ये इनके नीचे होता है, ये तीनों जो है वो एक समान पोस्ट होती है। जब आपके 81st अमेंडमेंट के द्वारा जब यहाँ पर एज जो है 18 से 21 से 18 एज की गई थी, एट दैट टाइम जो है अभी यहाँ पर तीन इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए, तो तीनों का जो काम है वो ऑलरेडी एक जैसा, ऑलमोस्ट एक जैसा रहता है। तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह के लिए एक साथ आते हैं, सब काम साथ में करते हैं, ठीक है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर वगैरह है, सब कुछ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलता है, बाकी दोनों लोगों को यहाँ पे नहीं मिलता है। राइट राइट राइट, हर्षल एंड सबने सही आंसर दिया है। पूनम एंड राजकुमार, राजकुमार एस, ओके, अंशिका एंड नवाज, ओके, सबने चार पांच जितने भी लोग हैं उन्होंने सही आंसर दिया है। ओके, तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक नया एक पोर्टल लॉन्च किया, द पोर्टल इज द लेडीज पोर्टल, ठीक है। तो ये जो लेडीज पोर्टल है ये आपका जो इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म है लीस्ट अवेलेबल डेप्थ टू एड इन इंश्योरिंग ऑफ द ऑप्टिमम यूज ऑफ द नेशनल वाटरवे, लीस्ट अवेलेबल डेप्थ टू एड, ठीक है। अभी देखो क्या काम है इसका, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूँ मैं। हेलो कार्तिकीय गठन उसको बनाया गया, तो अभी जब रिवर्स के अंदर वो फ्लो करते हैं तो अभी जरूरी नहीं कि रिवर्स में हर जगह जो है डेप्थ है, जो गहराई है वो एक जैसी हो। उसके कारण बहुत बार क्या होता है कि जो आपके जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, स्टीमर्स होते हैं, वो ऊपर तो होते हैं लेकिन नीचे भी उनके जो उनका जो बेस होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। बहुत सारे स्टीमर्स ऐसे होते हैं जो काफी गहरे होते हैं और पानी के अंदर काफी नीचे तक वो रहते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो किसी आपके कहीं पे गहराई कम है, वहां पर जाके पता चला कि वहां पर जाके उस गहराई कम होने के कारण वहां पर जाके वो टकरा गया, उनका बेस के अंदर को नुकसान हो गया। तो उसके लिए लेडीज पोर्टल द्वारा जो है वो पूरा, इट्स जस्ट लाइक GPS, ठीक है। वहां पर आपको बताया जाएगा कि वो जहां पर जा रहे हैं वहां पर कितनी डेप्थ है, कितनी गहराई है वहां पर, और वो पूरी गहराई वगैरह जो है वहां पर उसके द्वारा वहां पे मेजर की जाएगी, उसको जो है वहां पे गहराई को वहां पे नापा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू उसको वहां पे रखेगा। हो सकता है कि अभी कम गहराई में जाने के कारण उसको कुछ नुकसान हो जाए, तो ये यहाँ पर लेडीज पोर्टल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने है अभी ई वीजा जो है उसके लिए टूरिस्ट के लिए यहाँ पर वीजा को लिबरलाइज यहाँ पे कर दिया है, ई वीजा को यहाँ पर और ढील दे दी है। तो देखो वीजा जो है दो तरीके से आप ले सकते हो, एक आपका वीजा जो है आप उस पर्टिकुलर कंट्री के एम्बेसी में जाके ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो इंडिया ने अभी तक जो है 2014 के अंदर पहले 46 कंट्रीज के अंदर ई वीजा दिया था, जबकि उसको बढ़ा के अभी जो है 2019 के अंदर 166 कंट्रीज के लिए ई वीजा कर दिया है। ई वीजा के अंदर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है
और आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और आपको ऑनलाइन रिप्लाई मिल जाता है कि आपका जो वीजा है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। पहले मैनुअली ये सब चीजें यहाँ पे करना पड़ती थी, ठीक है। तो 166 कंट्रीज, वीजा और अराइवल अलग होता है। वीजा ऑन अराइवल के अंदर आप देश के अंदर पहुंच के वहां के इमिग्रेशन से जाके वीजा ले सकते हैं, ठीक है। तभी यहाँ पर जो है मैक्सिमम एक साल का आपको मल्टीपल एंट्री वीजा भारत के लिए यहाँ पर मिलेगा। मल्टीपल एंट्री मतलब आपको अगर एक साल के लिए आपने वीजा लिया तो अभी एक साल में वीजा लेने के बाद आप हो सकता है अपने देश वापस जाना पड़े, तो फिर से वापस आ सकते हैं मल्टीपल टाइम उस ड्यूरेशन में, एक साल की ड्यूरेशन में आप मल्टीपल टाइम भारत के अंदर वापस जाके वापस आ सकते हैं। उसके अलावा 28 जो है भारत ने इमिग्रेशन पॉइंट यहाँ पर बनाए हैं जहां पर आप भारत के अंदर लैंड कर सकते हैं, वो उसके अंदर भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर दो नए एयरपोर्ट यहाँ पर ऐड किए गए हैं जहां पर आप भारत के अंदर जब लैंड करते हैं तो यहाँ पर इमिग्रेशन चेक करने के द्वारा जो है आप देश के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे 28 जो है एयरपोर्ट अभी तक यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं। अगली खबर की बात करें तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने टैगोर अवार्ड जो है कर फॉर कल्चरल हार्मनी वो यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। तो 2012 के अंदर जब आपके जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनके जब पूरे बाद उनके जन्म के 150 वर्ष जो है वो पूरे हो गए तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है आपका टैगोर कल्चरल हार्मनी अवार्ड जो है एस्टेब्लिश किए और तब से अवार्ड लगातार दिए जा रहे हैं। अभी 2014 का जो है वो राजकुमार सिंघाजीत सिंह को और 2015 का बांग्लादेश का एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इट्स छाया नॉर्थ और 2016 का जो है राम कुमार वंश जिन्होंने आपका सरदार पटेल का जो स्टैचू है आपके नर्मदा में वहां पर उसको गुजरात में उसको बनाया है, तो उनको ये तीन लोगों को अवार्ड यहाँ पर 2014-15-16 के अभी अवार्ड किए गए हैं। तो ये याद कर लेना एग्जाम के अंदर जो है ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आपको मेंस के अंदर भी लिखने को आया तो आपको राम सुतार वंजी का नाम उनका नाम काफी ज्यादा फेमस हो रहा है अभी, तो हो सकता है उनके बारे में आपको तीन नंबर के अंदर लिखने को भी आ जाए। तो ऐसे कंटेंट आपको धीरे धीरे इकट्ठा कर सकते हैं। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो एक एक्सपर्ट कमेटी गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई थी, उसने जो मिनिमम वेज है देश के अंदर सबसे जो कम आपकी जो आय है उसको एक स्टैंडर्ड वहां पर उन्होंने मांगा था और उसने यहाँ पर 9,750 रुपए जो है वो मिनिमम मंथली एज है, एक एवरेज एज यहाँ पर उसने बताई है। इसने वहां पर 8,892 से लेके 11,622 जो है एक रेंज के अंदर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर उसने यहाँ पर जो ये रेंज यहाँ पर दी है कि इस रेंज के अंदर जो है सैलरी यहाँ पर होना चाहिए, मतलब किसी भी हालत में 8,892 से कम किसी भी व्यक्ति की सैलरी देश के अंदर नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम वेज का क्राइटेरिया उन्होंने यहाँ पे बताया है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 375 रुपीज पर डे जो है प्रतिदिन 375 रुपए या 9,750 रुपए जो है आपको पे करना पड़ेंगे, इट्स एवरेज कैलकुलेशन उनका यहाँ पे किया गया है। 2017 के अंदर जो है गवर्नमेंट ने चार जो आपके वेजेस बिल थे, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, चार अलग अलग एक्ट थे, उन चारों एक्ट को मिला के एक कोड ऑन वेजेस बिल बनाया कि चार अलग अलग वेजेस से सब अलग अलग सेक्टर्स के अंदर काम करते थे और काफी कंफ्यूजन यहाँ पर इसके कारण क्रिएट होता था, तभी उन्होंने उनको मिला के एक ही वेज कोड बना दिया गया है और अभी उसकी एक कमिटी है उसने यहाँ पर ये पैसा यहाँ पर बताया कि इतना पैसा यहाँ पर होना चाहिए। जैसे बात करेंगे रीजन 1, 2, 3, 4 पांच रीजन उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं। सबसे ज्यादा जो है रीजन 4 के अंदर है जहाँ पर आपका दिल्ली, गोवा, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब है, ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा आपको 11,622 रुपए पर मंथ पे करना पड़ेंगे। जबकि अगर आप देखेंगे हमारा मध्य प्रदेश कहाँ है अच्छा रीजन वन में है क्या, ओके ये रहे 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 एमपी, ओके एमपी में, तो अभी यहाँ पर एमपी अंदर जो है वो अच्छा मतलब पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 342 पर डे के हिसाब से 8,892 से कम वाले के अंदर हमको असम बिहार झारखंड के साथ में यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो पांच अलग अलग रीजन जो एरिया है उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो अच्छा काफी लोग जागरूक हो गए हैं, ओके तो 83rd आपका सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है वो अभी यहाँ पर आयोजित किया गया आपके गुवाहाटी के अंदर और गुवाहाटी के अंदर आयोजित किया गया, इट्स कॉल्ड द योनेक्स सनराइज सीनियर चैंपियनशिप। योनेक्स जो एक कंपनी है ना, आपको पता होगा कि आपका जो रैकेट वगैरह आप लाते हो तो योनेक्स कंपनी का हम जनरली खरीदते हैं, तो ये वही कंपनी जो उसको पूरा स्पॉन्सर करती है और 83rd जो है आपका ये बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पर आयोजित किया गया जिसके अंदर फीमेल के अंदर साइना नेहवाल ने पीवी सिंधु को डिफीट किया जबकि मेल के अंदर सौरभ वर्मा डिफीटेड द लक्ष्य सेन। मेंस डबल के अंदर जो है प्रणव जेरी चोपड़ा और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने अभी आपकी जोड़ी यहां पर जीती है, दे डिफीटेड द अर्जुन MR एंड श्लोक रामचंद्रन। तो आपको जो है पीवी सिंधु, ये आपको साइना नेहवाल और सौरभ वर्मा का नाम रट लेना चाहिए, ये दोनों ने यहाँ पर जीता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर बहुत बार
पूछे जाते हैं। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो ईरानी ट्रॉफी का मैच हुआ एंड द विदर्भ गेट द रिटेन द ईरानी ट्रॉफी। लास्ट ईयर भी ईरान ही आपका जो ईरानी ट्रॉफी है उसको जीता था। तो ईरानी ट्रॉफी के अंदर बेसिकली जो है वो एक ही मैच होता है जहां पर जो भी टीम रणजी ट्रॉफी जो है वो जीतती है। तो इस बार विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी जीती, ठीक है, और उसके बाद जो टीम रणजी ट्रॉफी जीतती है उसके और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में एक मैच होता है और उस मैच का जो विनर होता है वो ईरानी ट्रॉफी का विनर होता है। यहाँ पर ऐसा पूरा बहुत सारे मैचेस नहीं होते। नागपुर के अंदर यह मैच हुआ जिसके अंदर जो है वो विदर्भ ने आपके रेस्ट ऑफ इंडिया को यहाँ पर डिफीट कर दिया। उसके बाद जो भी प्राइज उनको मिला है ईरानी ट्रॉफी को, वो पैसा जो है उन्होंने पूरा 10 लाख रुपया जो है वो जो पुलवामा के जो शहीद हैं उनकी फैमिली को यहाँ पे डोनेट कर दिया। तो ये काफी देश के अंदर काफी अच्छी एक चीज चल रही है जहाँ पर तो सोल्जर्स हैं उनको हम ज्यादा बहुत ज्यादा उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं हमारे जवानों को। ये सच में बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो डॉल्फिन सेंसस जो है उड़ीसा के अंदर आयोजित की जा रही है। आपकी जो डॉल्फिन होती है उनको यहाँ पे गिना जा रहा है। तभी आपको ये पता है कि डॉल्फिन जो है अभी उसकी जो संख्या है वो भारत के अंदर धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। 2018 के अंदर जो है वो 469 जो है डिक्लाइन फ्रॉम 469 2018 टू 259 दिस ईयर, इतनी यहाँ पर कम हो गई है। अभी उसके बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं कि वो यहाँ से माइग्रेट कर गई हो या फिर उनको मार दिया गया कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तभी यहाँ पर आपके जनरली जो चिल्का लेक और दूसरी जो वाटर बॉडीज हैं आपको उड़ीसा के आसपास में यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। उसके अलावा आपका जो गहिरमाता आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर जो लैक्स वगैरह है वहां पर आपको इस तरह के 126 जो है डॉल्फिन्स वहां पर मिली है। तो पूरा सेंसस इनका यहाँ पर हुआ है। तभी यहाँ पर जो बहुत बार इनको जो है वो यहाँ पर इट्स कॉल्ड द उड़ीसा के अंदर है ना, उड़ीसा के अंदर है यहाँ पर बहुत बार उनको उनकी जो हंटिंग वगैरह है हंटिंग वगैरह भी इनकी की जाती है। तो अगली बात करें, हिना जायसवाल बिकम द फर्स्ट वुमन फ्लाइट इंजीनियर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय एयरफोर्स की जो है वो एयरफोर्स की पहली जो है वो महिला पायलट जो है महिला पायलट यहाँ पे फ्लाइट इंजीनियर यहाँ पर बन गई। बेसिकली फ्लाइट इंजीनियर जो होता है उसका काम होता है कि जैसे फ्लाइट स्टार्ट होती है उसके पहले उसका पूरा टेक्निकल चेकअप करना कि सब कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह ठीक से चल रहे हैं या नहीं, फ्लाइट जो है वो पूरी तरीके से रेडी है या नहीं, फ्यूल इंडिकेटर कितना है, सब कुछ वो अपने इंजिन वगैरह सब कुछ वहां पर चेक करती है और अभी करते हैं मतलब। और उसके बाद अभी पहली बार 2018 के अंदर एक नई बैच बनाई गई जिसके अंदर जो हिना जायसवाल को शामिल किया गया और उसके बाद अभी उनको एज अ फ्लाइट इंजीनियर जो है अपॉइंटमेंट यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के अंदर मिला है। तो महिला शक्ति जो है वो देश के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। 3-4 सालों में आप देखोगे तो हर जगह पे जहां जहां महिलाएं अभी तक नहीं थी वहां पर महिलाओं को जो है वहां पे नियुक्ति दी जा रही है। अगली खबर की यहां पर बात करें तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नई गाइडलाइन सरकार द्वारा इशू की गई है। जब भी आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आपके होते हैं ई व्हीकल जो होते हैं, जैसे आजकल आप देखते हो कि बहुत बार आपके आसपास जो है वो मेट्रो के आसपास या फिर कहीं भी वो ई रिक्शा खड़े रहते हैं जहां पे जो बिजली से चलते आपके बैटरी से चलते हैं, तो उनके लिए यहां एक पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा गाइडलाइन सरकार द्वारा इशू की गई है, ठीक है। इट्स मॉडल बिल्डिंग बायलॉज MBBL 2016 कमेंट किया गया है। उसके अंदर यहां पर जो है हाईवेज के ऊपर या रोड के ऊपर जो है आपको 25 हर 25 किलोमीटर में आपको चार्जिंग स्टेशन जो है वहां पर अवेलेबल करना जरूरी है, ठीक है, गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। दूसरा यहां पर जो लंबे हाईवेज है वहां पर 100 किलोमीटर जहां पर जो आपकी हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, कुछ व्हीकल्स होते हैं जो एक बार चार्ज करने में 200-250 किलोमीटर चल जाते हैं, तो ऐसे व्हीकल्स के लिए जो है यहां पर 100 किलोमीटर के अंदर चार्जिंग स्टेशन डेवलप करना यहाँ पे जरूरी है ना। इससे संबंधित जो स्टेट और ड्यूटीज है उनको यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन यहाँ पे भेज दी है। और अभी ऐसा हो जाएगा कि अभी आपके चार्जिंग स्टेशन जो है आपके जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं आपके BPCL HPCL वगैरह की इन सबसे टाइप वो करेंगे और उसके बाद हर पेट्रोल पंप के ऊपर एक चार्जिंग स्टेशन वहां पर लगा होगा जहां पर आप अपनी गाड़ी खड़ी करके वहां पर आप चार्जिंग कर सकते हैं। ओके, अगली खबर की यहाँ पर जस्ट वेट अगली खबर की यहां पर बात करें तो यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने चंद्रमौली रामनाथन को जो है वो आपका कंट्रोलर NASG यहाँ पर अपॉइंट किया है, ठीक है। तो ये एक नया पोस्ट एक नया ऑफिस यहाँ पर क्रिएट किया गया है। इट्स डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पॉलिसी एंड कंप्लायंस DMSPC। ये गवर्नमेंट ऑफ मतलब यूनाइटेड नेशन जो उसके द्वारा एक नया ऑफिस यहाँ पर क्रिएट किया गया है जिसके अंदर आपका जो भारत के जो चंद्रमौली है उनको असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल जो है प्लानिंग बोर्ड का यहाँ पे बनाया गया है। ये बोर्ड जो है बेसिकली 1 जनवरी 2019 से ही इसने काम करना स्टार्ट किया है और अभी पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो स्ट्रेटेजी या फिर आपकी नीतियां वगैरह बनाना या पॉलिसी फॉर्मेशन करने के लिए ये इसका गठन किया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन की अगली बात करें यहाँ पर तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने अमेरिका के अंदर नेशनल इमरजेंसी उन्होंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है और अभी बेसिकली उसका रीजन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका और
मैक्सिको, उसके बीच में एक वॉल, एक दीवार वहां पर बनाई जाए, क्योंकि मैक्सिको से बहुत ज्यादा जो आपका इन्फिल्ट्रेशन है वो आपके अमेरिका के अंदर होता है. ओके, तो वहां पर क्या होता है कि जो आपके ड्रग्स वगैरह के ट्रफकर्स हैं, ड्रग्स वगैरह जो है सप्लाई अमेरिका के अंदर की जाती है, कई लोग इलीगल माइग्रेंट के रूप में यहाँ पर आके बस जाते हैं और फिर अमेरिका की उसे डेमोग्राफी काफी ज्यादा खराब हो रही है. तो इसके लिए जो है उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया है कि अभी यहाँ पर वॉल बनाई जाएगी, लेकिन वहां की जो कांग्रेस है उससे उनको पहले, अभी दीवार बनाएंगे तो दीवार बनाने के लिए खर्चा आएगा, और खर्चा आएगा तो खर्चा तो आपको बजट के द्वारा निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बजट के अंदर ये प्रोविजन रखा था कि अभी उसके लिए उनको 5.7 बिलियन रुपीज जो है उसके लिए चाहिए, लेकिन वहां की जो कांग्रेस है, वहां के कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इस तरह का कोई भी पैसा हम यहाँ पे जारी नहीं करेंगे. तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पर इमरजेंसी यहाँ पर डिक्लेयर की, और इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद जो है वो यहाँ पर पैसा जो है वो खुद से यहाँ पर अप्रूव उसके लिए कर सकते हैं. ओके, तो अभी यहाँ पर अमेरिका में अंदर 30 तरह की नेशनल इमरजेंसी जो अमेरिका में लगाई जा सकती है, और बात करते हैं उसके ऊपर नवाज. तो 30 तरह की जो है नेशनल इमरजेंसी जो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ जैसे कि 3 तरह की इमरजेंसी होती है, वहां पर 30 तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती है बाय द नेशनल इमरजेंसी एक्ट 1976. और अभी ये उसके बाद उसने पैसा अप्रूव वहां पर करा लिया है, और अभी यहाँ पे जल्दी से उसका काम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा. पाकिस्तान के साथ हम नवाज पूछ रहा है कि कैन सेम पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड अगेंस्ट द पाक, हम पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा कर सकते हैं? तो हम नहीं कर सकते. उसका रीजन यहाँ पर ये है कि भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, इट्स अ लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल है. ठीक है, जब शिमला समझौता हुआ था 1975 के अंदर, वहां पर हमने उसको डिक्लेयर किया कि अभी ये एक जो है वो एक लाइन ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल की लाइन है, कि अभी इधर भारत और पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर जो हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है. तब इस प्रकार का कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन हम वहां पर उस एरिया के अंदर नहीं कर सकते. इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे बॉर्डर्स के ऊपर तार लगे हुए हैं, ठीक है, बाड़ लगी हुई है, हम वहां पे चाह कर भी जो है वो दीवार खड़ी नहीं कर सकते. अभी दीवार खड़ी करने के बारे में जो है एक शायद 1 या 1.5 साल पहले कहा था, और मतलब एक गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था, आर्मी ने उसके लिए मना कर दिया था. उसका रीजन यहाँ पर ये था कि अगर हम वॉल वगैरह इस तरह से बना लेते हैं, तो जब अगर वॉर की सिचुएशन होती है, युद्ध की सिचुएशन होती है, तो उसके टाइम पे हमारी जो आर्मी है उसको मूव करने में दिक्कत होगी. ऐसे कई सारे रीजंस आर्मी ने उसके लिए गिनाए थे कि इसलिए हम जो है परमानेंट वॉल नहीं बना सकते. कश्मीर में तो हम नहीं बना सकते, राजस्थान और आपकी गुजरात में बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आर्मी ने जो है वहाँ पे हरी झंडी नहीं दी कि वॉर की सिचुएशन में यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. अमेरिका के अंदर ऐसा है कि अभी मेक्सिको जो है भूल के भी अमेरिका को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता. अमेरिका इज द बिगर कंट्री और मैक्सिको जो है छोटा सा बच्चा है, सिटी स्टेट है, तो वो ऐसी गलती वहां पर नहीं हो सकती. दैट्स व्हाई जो है हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान के वाली बॉर्डर के ऊपर नहीं लगा सकता. बना देना चाहिए यार, मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान को ही खत्म कर दो. ठीक है, हाँ सेम इस पाक, ठीक है, वो भी नहीं बना सकता. मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान का नक्शा ही खत्म कर दो ना, झंझट ही खत्म करो उसका. ओके, क्या बोलते हो, कर देना चाहिए क्या? बार बार का रोज का नाटक, एक बार में खत्म करो, कर देना चाहिए ना. मैं तो बोलता हूँ कर देना चाहिए इसका, भारत के अंदर उसको मर्ज कर लो, बोला आ जाओ, है ना, हमसे अलग हुए तो वापस हमें मिल जाओ. ओके, सो सभी हाँ बोल रहे हैं, बढ़िया, सभी यही चाहते हैं. ठीक है, तो राष्ट्रभक्ति अभी अपने उफान पे है. 15 अगस्त 26 जनवरी के अलावा ऐसी चीजों के ऊपर हमारी राष्ट्रभक्ति जो है उफान के ऊपर आ जाती है, और होना भी चाहिए. ओके, सो अगला यहाँ पर स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे उनको दिए गए. अभी यहाँ पर जो है, सॉरी, नरेंद्र मोदी द्वारा नहीं दिए गए, आपके जो अर्बन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा दिए गए. तभी यहाँ पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अंबिकापुर जो है उसको यहाँ पे आपका जो स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड 2019 दिया गया है, जबकि आपका यहाँ पे कुंभकोणम जो है तमिलनाडु के अंदर उसको जो है वहाँ पे सेकेंड प्राइज यहाँ पे दिया गया है. ओके, सो बेसिकली उज्जैन और भोपाल जो है उनको भी यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पर अवार्ड मिला है. भोपाल को जो है 10 लाख से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए अवार्ड दिया गया है, जबकि उज्जैन को जो है 5 लाख से कम पॉपुलेशन के लिए उस कैटेगरी के अंदर अवार्ड दिया गया है. अभी गवर्नमेंट ने एक शहरी समृद्धि उत्सव जो है उसको ऑर्गेनाइज किया था फ्रॉम द 1st to 15th of Feb 2019, जिसके अंदर जो भी डेवलपमेंट अभी देश के अंदर पिछले 3-4 सालों के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था. ठीक है, तो बेसिकली स्कीम इट्स कॉल्ड द NULM, इट्स नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. इस मिशन के द्वारा जो है अभी यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, और उसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अलावा यहाँ पर आपके जो अमृत, एक अमृत मिशन है ना, जिसको पहले JNURM के नाम से जाना, उसका नाम चेंज करके अमृत कर दिया. तो अमृत मिशन द्वारा भी कई सारे इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है देश के अंदर चलाए जाते हैं. ठीक है, तो ये आपका सोचा, आपको अंबिकापुर जो छत्तीसगढ़ को अवार्ड यहाँ पे मिला है. सुनील कछवा बहुत देर बाद जागी और उन्होंने बहुत देर बाद रिप्लाई किया इसरो. ओके, चलो कोई बात नहीं,
जाके जब सवेरा अभी यहाँ पर पाकिस्तान के जो हमारे सैनिकों पर अटैक हुआ उसके बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज की, द मिलिट्री एक्सरसाइज इज कॉल्ड द आपका वायु शक्ति 2019। तो उसके अंदर यहाँ पर 140 जो हमारे जो फाइटर प्लेन्स है, 140 फाइटर प्लेन्स ने पाकिस्तान वाली जो बॉर्डर है आपकी, पाकिस्तान पोखरण वाली बॉर्डर, वहां पर जो मिलिट्री अपना आर्मी एक्सरसाइज वहां पे किया, बम वगैरह बरसाया, जिसके अंदर हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसके बाद आपका ALH है आपका, और उसके अलावा आपका आकाश सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल सॉरी, अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल, इन सभी मिसाइल्स का वहां पे जो परीक्षण वहां पे किया गया। जरूरत पड़ जाए पाकिस्तान के खिलाफ दागने के लिए तो कम से कम हमारी प्रैक्टिस तो होना चाहिए। ओके, तो वायु शक्ति और गगन शक्ति दो जो है वहां पर, दो एक्सरसाइज एयरफोर्स जो है अपनी खुद की यहाँ पर मेन करती है, इनका नाम याद रखिएगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो क्रिस गेल जो है उसे वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, और क्रिस गेल के साथ जो है वो आपके IPL के अंदर भी काफी लंबे समय तक वो खेले थे। अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत वो लुकास क्रिकेट क्लब जो है किंगस्टन जमैका की वहां से करते हैं, और बहुत ही हार्ड हिटर बैट्समैन है, ठीक है। हमारे यहाँ पे इंदौर की लैंग्वेज में ऐसे लोगों को फल्टा बोलते हैं, फल्टा मतलब जैसे बोला ही घुमा दिया, जिधर जाएगी उधर ठीक है, आउट हो गया तो आउट हो गया, इट्स कॉल्ड द फल्टा इन द अवर इंदौरी लैंग्वेज के अंदर, है ना। आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, है ना, हम तो फल्टा बोलते हैं। ओके, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इंफोसिस ने एक नया ऐप लॉन्च किया, इट्स कॉल्ड द InfyTQ ऐप, ठीक है, इंफोसिस TQ है। तो अभी ये जो बेसिकली ऐप है ये इंजीनियरिंग के अंदर थर्ड और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है। तो इंफोसिस जैसे आपको बताया कि ज्यादातर कॉलेजेस के अंदर जाके जो रिक्रूटमेंट करता है, लेकिन उसको जो जिस लेवल के स्टूडेंट वहां पर चाहिए उस लेवल के स्टूडेंट वहां पर उसको नहीं मिल पाते, तो इसलिए वो चाहता है कि जो स्टूडेंट जो है वो इंडस्ट्री रेडी हो जाए अपने, जैसे उनका ग्रेजुएशन खत्म हो वो इंडस्ट्री रेडी हो जाए, इंडस्ट्री के अंदर काम करने योग्य हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर कई सारी चीजें उनको टेक्निकल लैंग्वेजेस वगैरह वो सब कुछ जो है उनको जो स्टूडेंट को थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के अंदर यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो जो भी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के अंदर है वो इस ऐप को जो है वहां पर जो है वो डाउनलोड करके अपना काम में ले सकते हैं। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जो सेपरेटिस्ट लीडर है, जो हुरियत लीडर जिनको हम बोलते हैं, उन लोगों का जो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है वो वहां पर विड्रॉ कर ली गई है 17 फरवरी 2019 को, जिसके अंदर बीर वाइस उमर फारूक या फिर एक यासीन मलिक करके हैं, ऐसे कई सारे सेपरेटिस्ट लोग हैं जिनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी अभी तक देती थी। अभी उसका रीजन सिक्योरिटी देने का ये था कि अगर इनके ऊपर हमला हुआ, इनमें से किसी की डेथ हो गई तो इन दैट केस जो है गिलानी, हाँ गिलानी भी है ठीक है, सैयद गिलानी, तो ऐसे जो अगर उनके ऊपर अटैक वगैरह हो गया, उनकी डेथ हो गई तो कश्मीर में हालत बिगड़ सकते हैं, उसके लिए हमने उनको सिक्योरिटी दी थी और 10 करोड़ रुपया जो है, अच्छा कोई बात नहीं ठीक है, तो अभी हमने जो है वो उनको सिक्योरिटी दे रखी थी, अभी गवर्नमेंट उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है, और अभी हर साल शायद 10 या 12 करोड़ रुपए ऐसा उनकी सिक्योरिटी के ऊपर अभी तक खर्च होता था। ओके, तो उसके अलावा कई जैसे यासीन मलिक वगैरह को जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये जो हुरियत लीडर्स है बेसिकली ये पाकिस्तान की जनरली पैरवी करते हैं और पाकिस्तान के साथ में हमेशा डायलॉग वगैरह की बात करते हैं, तो ये जो है 100 करोड़ रुपीज, ओके 110 करोड़ रुपीज, 100 पुलिस ऑफिसर, बाप रे, ओके ओके थैंक यू। तो पता नहीं इन लोगों को हमने संभाल के क्यों रखा है, इन लोगों को तो अभी तक जो है वो किसी भी तरीके से आर्मी को, चलो क्या बोले अब ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो है ये लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली गई और इनको नजरबंद कर दिया गया है ठीक है। अभी यहाँ पे मीर वाइज उमर फारूक जो है उनके फादर जो है उनको एक बार आतंकवादियों ने मार दिया, गवर्नमेंट डिसाइड किया कि उनको सिक्योरिटी, यहाँ बीच में यहाँ पर काफी बड़ा एक माउंटेन सिचुएटेड है, जो कहा जा रहा है कि आपका जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी बड़ा आपका जो ये माउंटेन है वो यहाँ पर हमको मिला है। अभी बोलिविया के अंदर भूकंप आया था और उस भूकंप के बाद उन्होंने यहाँ पे अर्थ के नीचे 660 किलोमीटर नीचे उन्होंने यहाँ पे इसको सर्च किया, इसको यहाँ पे उनको पता चला, मतलब जो आपका जो एस वेव और पी वेव की स्टडी होती है उस वेव के द्वारा उन्होंने यहाँ पर इसको फाइंड आउट किया कि यहाँ पृथ्वी के नीचे इस तरह का कोई माउंटेन यहाँ पर बना हुआ है। अभी उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया, पूरा रिपोर्ट उसके बारे में उन्होंने अभी नहीं दी है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें ब्लैक बग की, तो ब्लैक बग उसका जो एक साइंटिफिक नेम होता है इट्स एंटेलोप सर्विकैपरा। अभी ये जो है अभी भारत के इसको जो है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर IUCN की रेड लिस्ट के अंदर यहाँ पे डाला गया है। IUCN इंटरनेशनल यूनिट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है एक रेड लिस्ट है, एक जो है लाल लिस्ट नहीं बोलते, रेड लिस्ट ही बोलते हैं उसको ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना। तो IUCN रेड लिस्ट जो है उन्होंने यहाँ पे लॉन्च की है और अभी उस लिस्ट के अंदर इसको आपको ब्लैक बग को यहाँ पर शामिल कर लिया है। ये जो है ये इंडियन प्लेन्स के अंदर, भारत के जो प्लेन्स है उसके अलावा पाकिस्तान और नेपाल के प्लेन्स के अंदर यहाँ पे मिलता है, और इसके अंदर ब्लैक बग की जो फीमेल्स होती है जनरली हॉर्नलेस होती है, मतलब उनके सींग नहीं होते,
और अभी ये चीता के पास सबसे फास्टेस्ट एनिमल आपका ब्लैक बक माना जाता है, ठीक है, लीस्ट कंसर्न कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। इसका फोटो में नहीं डाल पाया, आप एक बार फोटो डाल ब्लैक बक का एक बार देख लेना। ओके, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो अफगानिस्तान जो है वो भी पाकिस्तान को आंख दिखा रहा है ना, ऑब्वियसली बात है भारत के इशारे के ऊपर। तो अभी पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ में लगातार डायलॉग कर रहा है। तालिबान को आपको पता है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का जो पूरा एक टाइम रहा था वो काफी ज्यादा खतरनाक रहा था, जहां पे 9/11 के पहले तक पूरी तरीके से वहां पे उनका कब्जा था। 2000 के अंदर कंधार हाईजेक जो है वो भी आपके तालिबान के आतंकवादी हैं उन्होंने किया था, जहां पर हमारे एक एयरक्राफ्ट को जो हमारा जो एक एरोप्लेन था जो काठमांडू से डाली जा रहा था उस 2000 के अंदर, है ना, इट्स 25th of December 1999, ठीक है। उन लोगों को फिर 1 जनवरी 2000 को वहां पर उन लोगों ने छोड़ा था, शायद 31 की रात को ऐसा कुछ उन्होंने छोड़ा था ना, नई सेंचुरी के टाइम में लोगों को उन्होंने कब्जे में करके रखा था। तो पाकिस्तान जो है वो तालिबान से लगातार यहाँ पर टॉक कर रहा है और उसको अफगानिस्तान जो यूएनएस आपका जो अफगानिस्तान है उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके पाकिस्तान की शिकायत की है कि अभी इट्स इंगेज विद द तालिबान, और उसके कारण जो है अफगानिस्तान के अंदर भी लगातार और हमले वगैरह तालिबान कर रहा है। तो अभी उनके खिलाफ यहाँ पर रिपोर्ट की गई है। अभी सभी मिलकर अगर पाकिस्तान को घेरेंगे ना तो यूएनएससी को जो है किसी भी तरीके से पाकिस्तान को जो है वहां पर बैन करना ही पड़ेगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो आपके अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जो है भारत की यात्रा के ऊपर आए हैं। इट्स प्रेसिडेंट इट्स मॉरिटानो मैक्री भारत की यात्रा के ऊपर आए हैं, और अभी जिस दौरान वो आए तो समय देश के अंदर हालात ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी अब क्या करें, मेहमान आएगा तो उसका स्वागत तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर उनके बीच में काफी सारे एग्रीमेंट्स हुए। एक टूरिज्म के ऊपर इंडिया और अर्जेंटीना में एग्रीमेंट हुआ, उसके अलावा आपका जो प्रसार भारती और आपका जो वहाँ का फेडरल सिस्टम ऑफ मीडिया है उसके बीच में यहाँ पे समझौता हुआ, प्रसार भारती और वहाँ की प्रसार भारती के बीच में। उसके अलावा यहाँ पर जो है वो ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी आपका जो CDSCO है इंडिया का और वहाँ का जो ड्रग अथॉरिटी है उनके बीच भी समझौता हुआ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, आपके दवाई वगैरह के क्षेत्र के अंदर। तो ऐसे कई तरह के कई समझौते उनके बीच में हुए हैं, इनमें से कुछ मेन समझौते यहाँ पे है। उसके अलावा यहाँ पर उन्होंने आपके अर्जेंटीना ने यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है उसकी भी सदस्यता यहाँ पे ले ली है। 72nd मेंबर 72वां मेंबर जो है उसको यहाँ पे साइन करने वाला अर्जेंटीना आपका बन गया है। तो आपको अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में नहीं पता थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तभी जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है वो बेसिकली, अरे यार यहाँ पता नहीं इसमें से ड्रॉ नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, इसको गोला मान लेना, ये गोल है। दिस इज द इक्वेटर, दिस इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, आपकी मकर रेखा और ये कर्क रेखा जो भी हिंदी में बोलते हैं, है ना, ये कैंसर है, ये कैप्रिकन है ना, कैप्रिकन को शायद मकर बोलते हैं, ये कर्क रेखा, हाँ कर्क रेखा है। ओके, तो यहाँ पर जो है इनके बीच में जो कंट्रीज है यहाँ पर सन का जो ताप है उसका जो टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है इन कंट्रीज के ऊपर। तो यहाँ पर जो है इन कंट्रीज के अंदर सोलर टेम्परेचर मतलब आपका जो टेम्परेचर काफी अच्छा रहता है, तो इसलिए इन कंट्रीज को सिलेक्ट किया गया है कि यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है उसको डेवलप किया जाए। और ऐसे जो है 122 कंट्रीज जो अभी तक आपके इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, उनमें 72 जो है उसने अभी तक इसको साइन कर दिया है, तो ये भी इसके अंदर शामिल हो गया है। इसका जो हेड ऑफिस है वो गुड़गांव के अंदर है और इंडिया और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के द्वारा इसको एस्टैब्लिश किया गया। COP21 जब हुआ था इन द पेरिस के अंदर, वहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस कंसेप्ट को वहां पे रखा था। उसके बाद 2000 जो COP22 हुआ था आपका माकेश के अंदर इन द 15th of November 2016, उसके उसको आपके साइन करने के लिए ओपन किया गया, और अभी तक 72 कंट्रीज जो है इसके अंदर यहाँ पे साइन कर चुके हैं, जैसे इसके अंदर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, यूके, जापान और अभी अर्जेंटीना उसके अंदर यहाँ पे जुड़ गया है। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है उपेंद्र त्रिपाठी, जिन्होंने यहाँ पर सिग्नेचर करवाया। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस जो है वो भोपाल के अंदर 79th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस भोपाल के अंदर आयोजित की जाएगी। अभी इसके पहले ये जो इवेंट है वो पुणे के अंदर होना था, लेकिन पुणे की जो यूनिवर्सिटी है उसने इसको करने से मना कर दिया ड्यू टू द सम फाइनेंशियल इशू। तो भोपाल का जो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी उसने बोला कि हम इसको यहाँ पर आयोजित करेंगे। इसके पहले 2011 के अंदर भी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के जो है अंदर ये जो आपका इवेंट है आपका ये इवेंट ऑलरेडी एक बार हो चुका है। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की बात करें तो 1935 के अंदर इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस को किया गया, 10,000 इसके मेंबर हैं। इसके अंदर बेसिकली जो भी ये रिसर्च वगैरह करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के अंदर अलग अलग जगहों के अंदर, जहां पे आपके इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR जो है उसके बाद मिलकर ये रिसर्च करते हैं अलग अलग गांव के अंदर जाके जगह जगह जाके वहाँ पे जो सबूत वगैरह है या फिर जो भी इनका जो भी इनको शिलालेख वगैरह मिलते हैं उसके जाके स्टडी करते हैं। तो उसके लिए पूरा इसका गठन जो है वो किया गया है। 1935 से लगातार इसका जो सेशन है वो लगातार सेशन इसके चलते रहते हैं ना, कभी कभी लगातार होता है, कभी कुछ गैप के अंदर होता है। 79th सेशन अभी हमारे बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी को
के अंदर होने जा रहा है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ो उसको। ओके, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है वुमेन सेफ्टी के लिए अभी यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे लिए गए हैं। ओके, उसके लिए यहाँ पर जो 2919 करोड़ रुपए का एक पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, इट्स कॉल्ड अभी उसके अंदर का जहाँ पे सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उसके फर्स्ट फेज के अंदर, जहाँ पर अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ और मुंबई के अंदर जो है वो जगह जगह सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे। यहाँ पे निर्भया फंड जो है, जो 2012 के अंदर जो निर्भया कांड हुआ था जहाँ पर एक दिल्ली के अंदर एक लड़की का रेप कर दिया गया था, तो उसके बाद निर्भया फंड जो है यहाँ पर बनाया गया जिसके अंदर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर पैसा सेंक्शन किया जाता है। तो क्या क्या होगा इसके अंदर, इसके अंदर यहाँ पर हर सिटीज के अंदर एक जो है क्राइम हॉटस्पॉट जो है वहां पे सर्च किया जाएगा। व्हाट इज द क्राइम हॉटस्पॉट, कि जिन एरियाज के अंदर आपके जो घटनाएं होने का ज्यादा चांसेस रहता है उन घटनाओं को वहां पर पुलिस स्पेशली पुलिस लगाई जाएगी, वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, वहां पे स्पेशल अलर्ट रखा जाएगा। उसके अलावा यहां पर जो है वो हॉटस्पॉट में यहां पे सीसीटीवी सर्विलेंस बढ़ाया जाएगा, साथ ही यहां पे ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम ANPR भी लागू किया जाएगा, जहां पर आपने जैसे आजकल आपने नंबर प्लेट के अंदर देखा होगा कि वहां पर एक टैग लगा होता है, एक रीडर लगा होता है, जहां पर अगर आप RTO से बनवाते हैं तो ओके, तो वहां पर क्या होता है कि आपका ANPR इनेबल वो होती है जहां पर सिर्फ उस कोड को स्कैन करके उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है। जिस तरीके जो है ANPR वगैरह बनाई जाएगी जिसके कारण जो किसी प्रकार की अगर इश्यू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर जो है वहां पे जो जो भी मुजरिम है उनको वहां पे पकड़ा जा सके। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो RBI ने गवर्नमेंट को 28,000 रुपए का डिविडेंड जो है डिविडेंड गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया है। अभी देखो जैसे RBI के पास काफी सारा पैसा तकरीबन 1,40,000 करोड़ रुपया जो है उसके पास सरप्लस में पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट चाहती थी कि वो 1,40,000 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाए, ठीक है, भारत सरकार को वहां पर वो पैसा दे दिया जाए ताकि वो अपने फंड के अंदर उसका उपयोग कर सके। जब भी RBI जो है उसके अंदर यहाँ पे शामिल उसको रेडी नहीं था, लेकिन अभी कैसे भी करके गवर्नमेंट ने जो है RBI को 28,000 करोड़ रुपया देने के लिए राजी कर लिया और RBI ने वो पैसा RBI को एज ए डिविडेंड जो है वो ट्रांसफर कर दिया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो अभी 16 स्टेट के अंदर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम ESS जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, इट्स अ 112 हेल्पलाइन नंबर वो लॉन्च किया गया है। अभी अभी आपने बताओ जैसे कि आप जो है वो पुलिस के लिए 100 लगाते थे, फायर के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 102, वुमन के लिए 101,090, ठीक है, सर अलग अलग नंबर लगाते थे, लेकिन अभी एक सिंगल नंबर 112 लॉन्च कर दिया गया है जहां पर अभी 16 स्टेट में हुआ, धीरे धीरे पूरे देश के अंदर हो जाएगा। वहां पर एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स नंबर होगा, जैसे आपके अमेरिका के अंदर कोई नंबर होता है जिसके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हो तो एक पर्टिकुलर नंबर आपको डायल करना पड़ता है, ठीक है, मोबाइल के अंदर भी आपका SOS होता है जहां पर वो शायद 169 पे लगता है, ओके, तो वहां पर इस तरीके से 112 हमने यहां पर लॉन्च कर दिया है। अभी 108 जो है वो सबसे बड़ा भी नंबर है, ठीक है, नहीं MP अभी इंक्लूड नहीं है, MP नहीं है अभी, है ना, MP जल्द हो जाएगा, ये अभी आने वाले 2-3 महीने के अंदर पूरे देश के अंदर हो जाएगा, तो 108 जो है उसको भी इसके अंदर मर्ज कर दिया जाएगा। अभी आप देखेंगे सबसे बड़ा जो है वो 108 है, अभी कोई भी हो पुलिस इमरजेंसी आप 108 पे हम कॉल करते हैं, तभी 112 जो है पूरा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए एक यूनिक नंबर यहाँ पे बन जाएगा, है ना। नवाज अभी लेक्चर के बाद सबसे पहले 112 डायल करके देखेगा कि इंडिया के अंदर जो है वो MP के अंदर उसको लागू किया गया है या नहीं किया गया है। ओके, सो अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल जो है वो जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया, इट्स 14th इंटरनेशनल एनुअल डेजर्ट फेस्टिवल जो है जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया, इट्स कॉल्ड द गोल्डन सिटी उसको कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर सैंड के कारण पूरा जो है वो गोल्डन कलर का पूरा सिटी दिखता है, तो यहाँ पर आयोजित हो रहा है। अगली खबर की बात करें तो केरला की एक वुमन है, इट्स नेम इज द धन्या सनाल के, वो अगस्त में अगस्त कूदम जो आपका केरला का सबसे हाईएस्ट पीक है उसके ऊपर चढ़ने वाली पहली वुमन यहाँ पर बन गई। She is the bureaucrat, she is the IAS officer, धन्या सनाल के। अभी वहां पर क्या था कि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है यहाँ पर चढ़ना या फिर माउंट एवरेस्ट से भी टफ है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर बेसिकली एक अनऑफिशियल रीजन से वुमन्स के चढ़ने की रोक लगी हुई थी पिछले कई सालों से। 1868 मीटर सिर्फ इसका हाइट है, ज्यादा ऊंचाई इसका नहीं है, और आपका जो नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर ये पीक पड़ता है। अभी हाईकोर्ट के अंदर उसको चैलेंज किया गया, हाईकोर्ट ने बोला कि ऐसा कोई भी जो है बैन यहाँ पर किसी के ऊपर नहीं लगा है, आप जाके चढ़ सकते हैं, और फिर आपकी जो धनिया है वहां पर जाके उन्होंने उसकी क्लाइंबिंग की और ऐसा क्लाइंबिंग करने वाली पहली वुमन यहाँ पे बन गई। आपको याद रखना है कि अगस्त कूदम कहाँ पर है,
का नैयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये सब आपके काफी सारे क्वेश्चन एक ही स्लाइड से प्रिपेयर हो गए होंगे। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो फैजल इस्माइल, ही वाज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द साउथ अफ्रीका का जो नेल्सन मंडेला स्कूल ऑफ पब्लिक गवर्नेंस है उसके डायरेक्टर ग्रुप में उनको अपॉइंट किया गया है। अभी उसके पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ जो कैपटाउन है उसके अंदर इकोनॉमिक्स वो पढ़ाते थे, ठीक है, तो उनको नया पद यहाँ पे दिया गया है। अगली बात खबर की यहाँ पर बात करें तो एक वॉकिंग रोबोट जो है वो नया, इट्स कॉल्ड द एंटबॉट, ये अभी यहाँ पर बनाया गया है और ये बेसिकली बिना नेविगेट, मतलब बिना जीपीएस के या बिना किसी किसी और दूसरी हेल्प से, जीपीएस या मैपिंग के अलावा जो है ये चल सकता है, जैसे ह्यूमन चलता है वैसे ये चल सकता है। अभी तक रोबोट्स उनके जीपीएस या फिर उनको मैपिंग की जाती थी, पूरी प्रोग्रामिंग की जाती थी कि आपको किस किस डायरेक्शन के अंदर जाना है, तो वो यहाँ पर बिना प्रोग्रामिंग के यहाँ पर ये जो है यहाँ पे चल सकेगा, ठीक है। तो ये काफी नया जो है इनोवेशन यहाँ पे एंटीबॉट के रूप में क्या है। उसके अलावा इसराइल जो है वो अपना पहला मून मिशन जो है वो नासा की हेल्प से भेजने वाला है, उसके लिए उसने यहाँ पे पैराशूट करके एक उसने अपना एक सैटेलाइट बनाया है जो अभी स्पेस के अंदर यहाँ पे जो अमेरिका का फाल्कन 9 रोबोट है उसकी हेल्प से अंतरिक्ष के अंदर भेजेगा। इसका जो मॉनिटरिंग सेंटर है वो है यहूद तेल अवीव के अंदर, तेल अवीव इज द मेन जो आपके इसराइल है उसका मेन सेंटर है तेल अवीव, जहाँ पर ज्यादा कंट्रीज के एम्बेसीज वगैरह जो है वहां पर स्टैब्लिश है। तो नासा इसराइल जो है वो भी अभी मून मिशन लॉन्च करने वाला छठा कंट्री दुनिया का बन जाएगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें, जैसे फतेह सबमरीन जो है वो आपके ईरान द्वारा यहाँ पे लॉन्च की गई है, ईरान की जो फर्स्ट सबमरीन है, सेमी हैवी कैटेगरी की सबमरीन, जो ईरान ने कहा जा रहा है कि इंडिजिनसली अपने खुद ने वहां पर इसका कंस्ट्रक्शन किया है, तो अमेरिका से उसके लगातार टेंशन बढ़ रहे हैं, उसके अंदर काफी सारे इस तरह के उन्होंने जो आपके वेसल्स वगैरह या जो ये उसने वहां पे कंस्ट्रक्ट करना अभी यहां पे शुरू कर दिया। ये सरफेस सब सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब पानी के नीचे से जो है वो हवा के अंदर यहाँ सरफेस के ऊपर जगह मार कर सकती है और 2000 किलोमीटर जो इसका रेंज है, जिसके अंदर यूएस वगैरह जो कंट्रीज है वो इसकी रेंज के अंदर यहाँ पे आ गए हैं, तो इसराइल यूरेस वगैरह उसके रेंज के अंदर आ गए हैं। अगली खबर की बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड जो है वो यहाँ पर लॉन्च किया है। तभी आप स्कूल के अंदर जनरली देखते होंगे, हम जब स्कूल के अंदर थे तो ब्लैक बोर्ड या फिर अब उसके बाद में व्हाइट बोर्ड और ग्रीन बोर्ड वगैरह चलते थे। अभी यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के अंतर्गत कि यहाँ पर जो 7 लाख क्लासरूम के अंदर 9th, 10th, 11th, 12th और आपके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर 7 लाख जो डिजिटल बोर्ड वहां पर लगाए जाएंगे। इसके अंदर डिजिटल बोर्ड्स के अंदर बेसिकली आप देखेंगे कि यहां पर जो है जो एक बोरिंग अभी टीचिंग होती थी वो एक इंटरेक्टिव टीचिंग जो है वो हो जाएगी, जहां पर वीडियोज और ऑडियोज और इमेजेस के थ्रू आपको चीजें समझाई जा सकेंगी। तो काफी नया इनिशिएटिव जो है वो सरकार ने यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर यहाँ पे लिया है। ओके, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो कॉमर्स मिनिस्टर ने एक स्वायत्त करके एक स्कीम है उसको GEM पे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर लॉन्च किया है। पहले मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यहाँ पर क्या है। तभी से आप बोलते हैं कि ईबे या अमेजन या फ्लिपकार्ट इस तरह की जो ऑनलाइन मार्केटिंग की ऑनलाइन जो ई कॉमर्स की जो साइट्स होती हैं तो वहां पर आप जाके परचेसिंग करते हैं। GEM जो है गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव, जहां पर गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट के जो भी प्रोडक्ट हैं वो सभी प्रोडक्ट आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे जाके आपको मिल जाएंगे। एक तरह से गवर्नमेंट ने इस तरह से उसको डिजाइन किया है, तो उसके अंदर स्वायत्त कर एक नया इनिशिएटिव उन्होंने यहाँ पे लिया है, जहां पर आपके स्टार्टअप वुमन और यूथ एडवांटेज यूथ है उनको ई ट्रांजेक्शन करने के लिए कि अभी आपके जो स्टार्टअप्स हैं या फिर वुमन एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्रोडक्ट की सेलिंग वहां पर जाके कर सकती है, उनका प्रमोशन वहां पर जाके आपके स्वायत्त के अंदर वहां पर GEM के ऊपर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर कर सकती है और आप उनके प्रोडक्ट जाके वहां पर परचेस कर सकते हैं। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव सरकार ने लिया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो 7th नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड जो है वो आपके दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है, जहां पर अवार्ड घोषित किए गए, जहां पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो अशोक दिलवाली को दिया गया, साथ ही यहां पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है इट्स अवार्डेड टू श्री शांत कुमार को और एमेच्योर फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है गुरदीप धीमन को दिया गया। वैसे ये आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक नाम पता होना चाहिए कि ऐसा कोई इवेंट जो है अवार्ड वगैरह होते हैं। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो बैंगलोर के अंदर एरो एशिया जो है 2019 जो है वो स्टार्ट हो गया है, वहां का यालहंका एयरफोर्स स्टेशन जो है वहां पर इसको एरो एशिया एरो इंडिया जो है आयोजित किया जा रहा है, जहां पर आपके HAL के 61 एयरक्राफ्ट उसके अंदर यहां पे तेजस वगैरह और दूसरे काफी सारे एयरक्राफ्ट उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये उसी का एक फोटो है जहां पर अभी इसराइल, यूएस, यूके, जर्मनी, रशिया, फ्रांस इन कंट्रीज के भी एयरक्राफ्ट वहां पर पार्टिसिपेट करने आए हैं। अगली खबर की यहां पर बात करें तो केरला के अंदर एक फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, इट्स कॉल्ड द अत्तुकल पोंगल, ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिलीजियस महिलाओं का कॉन्ग्रेगेशन या महिलाओं का
जो है वो एकत्रीकरण इसको कहा जा रहा है। ठीक है, तो अभी जैसे कि आपने सुना होगा सबरीमाला, तो इसको वुमन का सबरीमाला कहा जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो अत्तुकल पोंगल जो मंदिर है, इस मंदिर के अंदर, इस मतलब अत्तुकल करके जगह है, वहां पर जो है महिलाएं इकट्ठे होती है। यहाँ पर अत्तुकल भागवंती टेम्पल है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ वुमन जो है, महिलाएं जो है यहाँ पर आ सकती है, पुरुष यहाँ पर नहीं आ सकते। तो यहाँ पर जो है वो पोंगल करके एक डिश कोई बनाई जाती है, यहाँ पर कोई भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद बनाया जाता है, जो राइस, जैगरी और आपके जो कोकोनट है, जो नारियल होता है, जैगरी मतलब होता है गुड़, तो उसके द्वारा यह बनाई जाती है और भगवान को यहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो ये अभी 3-4 दिन तक ये फेस्टिवल पूरा यहाँ पे अत्तुकल पोंगल वहाँ पे चलने वाला है। इट्स कॉल्ड द वुमन सबरीमाला। अभी मेल लोगों को भी यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हमको भी यहाँ पर एंट्री दी जाए, जैसे सबरीमाला के केस के अंदर हुआ था। अगली खबर की बात करें तो हिंदी के जाने माने कवि नामवर सिंह जो है उनका 92 ईयर की एज के अंदर उनका देहांत हो गया है। उन्होंने कई बुक्स वगैरह लिखी, जैसे कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज एंड ऑल दैट। ठीक है, 1971 में उनको कविता के नए प्रतिमान के लिए उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है वो सरकार द्वारा दिया गया था। उन्होंने इलेक्शन के अंदर भी ट्राई किया, 1959 के अंदर वो लोकसभा का इलेक्शन जो है वो चंदौली यूपी से लड़े थे, लेकिन चुनाव के अंदर हार गए थे। ठीक है, तो अवार्ड याद रखना कौन सा मिला था, कौन सी बुक के लिए मिला था। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल एक्सपीरियंस म्यूजियम जो है वाराणसी के अंदर उसको उद्घाटन किया है। ये भी बेसिकली एक वर्चुअल आपके जो कुछ सिटीज टाइप बनाया गया है, जहां पर आपको म्यूजियम के अंदर सबको भाषाई आपके जो कल्चर वगैरह है देश का वो वहां पर शो किया जाएगा। ओके, तो अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो हिमाचल प्रदेश असेंबली ने यहाँ पे संस्कृत को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। अभी फर्स्ट उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, और संस्कृत को उन्होंने एक बिल के द्वारा, हिमाचल प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2018-19 के अंदर अमेंडमेंट करके वहां पर इसको शामिल किया गया है। अभी भारत के अंदर यात्रा के ऊपर आए सऊदी अरब के प्रिंस आपके सलमान, और अभी इट्स मोहम्मद बिन सलमान वहां के जो क्राउन प्रिंस हैं वो उसके अंदर यहाँ पर आके शामिल हुए, मतलब भारत के अंदर यात्रा के ऊपर आए 3 दिन की, और उसके अंदर उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर शामिल होने वाले 73rd कंट्री जो है यहाँ पर बन गया है, उसने भी यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सिग्नेचर जो है सिग्नेचर यहाँ पर उसने कर दिया। इसके अंदर 72nd कंट्री कौन था जिसने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, 72वां कंट्री कौन सा था, अर्जेंटीना। वेरी गुड, मतलब लेक्चर ठीक से सुन रहे हो, वेरी गुड। ओके, सो वेरी गुड नवाज एंड अंशिका एंड अभिषेक सोनिका, ओके वेरी गुड। तो अभी यहाँ पे शामिल हुए, अब इनके बीच दोनों देश, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। इट्स पूनम एंड आकांक्षा, इट्स आकांक्षा शर्मा, ओके। सो अभी यहाँ पर सऊदी अरब ने इसके अंदर यहाँ पे सिग्नेचर कर दिए हैं दोनों देशों के बीच। अभी जिस टाइम ये आए थे उस समय देश के अंदर हालात ठीक नहीं थे और जस्ट पुलवामा अटैक हुआ था, लेकिन फिर भी जो है अगर कोई गेस्ट आता तो उसको होस्ट करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। वी आर गोइंग टू बिलोंग टू द फिलोसॉफी ऑफ द अतिथि देवो भावा। अभी आपके चेन्नई के अंदर एक नया रोबोट लॉन्च किया है, इट्स नेम इज द बंदीकूट। तभी आपको पता है कि जो सीवेज आपकी होती है, सीवेज लाइन जो होती है आपकी, जो गटर होती है उनकी सफाई के लिए आपने बहुत बार देखा होगा कि इंसानों को उतरना पड़ता है कहीं अगर वहां पे चोक हो जाता है। तभी यहाँ पर जो है एक बंदीकूट करके एक नया रोबोट बनाया गया है, जो एक मैनुअल कंट्रोल है, सेमी ऑटोमेटिक रोबोट, जिसको नीचे गटर के अंदर उतारा जाएगा, जहां पर जाके जहां पर चोकिंग वगैरह है वहां पर चोकिंग वगैरह जाके ये ठीक कर सकेगा। तो इट्स सेमी ऑटोमेटिक रोबोट जो है, बंदीकूट नाम इसका, याद रखिएगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने एक नई स्कीम, इट्स कॉल्ड द कुसुम, उसको लॉन्च किया है। कुसुम का फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम। ये स्कीम जो है बेसिकली 2022 तक जो है हमको 25 गीगावाट तक हमको सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है, ओके। तो उसके लिए यहाँ पर लॉन्च किया है, जिसके अंदर अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत किसानों को जो सोलर पंप है उनके खेतों के अंदर यहाँ पे लगाया जाएगा। 3 इसके कंपोनेंट है, ABC। ए कंपोनेंट के अंदर 10,000 मेगावाट का जो है आपका ग्राउंड माउंटेड जो है ग्रीड कनेक्टेड पावर सप्लाई यहाँ पे दिया जाएगा, कि जगह जगह प्लांट्स लगाए जाएंगे और उन प्लांट्स को लगाने के बाद उन प्लांट्स, अभी जो सोलर वाली कंपोनेंट ए के अंदर आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था उसके द्वारा किसानों को जो है वो एग्रीकल्चर पंप के लिए सोलर वाली बिजली जो है प्रोवाइड की जाएगी। तो 3 स्टेज के अंदर इसको किया जाएगा। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक डीजल लोकोमोटिव जो है उसको यहाँ पर इनोग्रेट किया है। ये देश का पहला ऐसा डीजल लोकोमोटिव है जो आपके डीजल से इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव के अंदर कन्वर्ट किया गया है, कि पहले डीजल व्हीकल था, डीजल इंजन था, अब उसको लोकोमोटिव सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजन के अंदर उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है। तो ये काफी अच्छी जो है स्टेप यहाँ पर ली है। अभी यहाँ पर हमने जो है 2022 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का संकल्प लिया है और 100% जो है हम पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर यहाँ पर बेस्ड
हो जाएंगे। तो ये काफी अच्छी स्कीम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है और इसके कारण जो है हमारा ऑयल इंपोर्ट, डीजल इंपोर्ट के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगी और उसके अलावा हमारी जो कैपेसिटी है हमारे इंजन्स की, वो इंजन्स की कैपेसिटी भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये भी वाराणसी के अंदर हुआ है, वाराणसी के अंदर काफी चीजें हो रही है। अगली खबर की बात करें तो सुनील छेत्री जो हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन है, उनको फुटबॉल रत्न अवार्ड, पहला इंडिया का पहला फुटबॉल रत्न अवार्ड उनको यहाँ पे दिया गया है। अभी ये इस जो इनको आपका इस साल पद्मश्री अवार्ड है, पद्मश्री अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है उसने और फीफा जो है उसने मिलकर ये सम्मान उनको यहाँ पे दिया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो महात्मा गांधी स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम जो है वो 150 श्रीलंकन स्टूडेंट को यहाँ पर अलॉट की गई है। 2006 के अंदर, 6-7 के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई जिसके अंदर महात्मा गांधी स्कॉलरशिप योजना के तहत जो आपके श्रीलंका के जो खिलाड़ी जो वहां पर रहने वाले लोग हैं, वहां के जो स्टूडेंट हैं, उनको 150 स्टूडेंट्स को हम हर साल भारत के अंदर यहाँ पे पढ़ने के लिए वीजा और स्कॉलरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। अगली खबर की यहाँ पर बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ कोरिया के 2 दिन की यात्रा के ऊपर गए हैं, जहां पर उनको जो सोल पीस प्राइज उनको नवाजा गया था, जो उनको दिया गया था अवार्ड, वो अवार्ड उन्होंने वहां पे जाके रिसीव किया। वहां पर अवार्ड उनको साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है मून जे इन, उन्होंने ये अवार्ड उनको वहां पे दिया है। ठीक है, तो अभी जो उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी है या फिर आपके जो ईस्ट के अंदर उनको अच्छा काम करने के लिए, उनकी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए उनको यह अवार्ड वहां पे दिया गया है। बेसिकली 1990 के अंदर जो है 24वां आपका पता नहीं यार, लिखने का मनता नहीं है, और 1990 के अंदर 1990 के अंदर जो 24वां उन्होंने ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज किया था, तो वो ऑर्गेनाइज जो गेम है वो सक्सेसफुली साउथ कोरिया ने ऑर्गेनाइज किया था और उसको सम्मान, उसको कमोमरेट करने के लिए वो हर साल जो है इस तरह से जो प्राइज है प्राइज यहाँ पर देते हैं। अभी तक 14 लोगों को ये प्राइज मिल चुका है, जिसके अंदर आपके जो यूनाइटेड नेशन के जो एक समय सेक्रेटरी जनरल थे कोफी अन्नान, वैसे कई लोगों को अभी तक अवार्ड जो है यहाँ पे सोल प्रीज प्राइज अभी तक मिल चुका है। अगली खबर की बात करें तो आपके 21 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। हाँ, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड, हाँ बिल्कुल सही, पहले भारतीय इनको अवार्ड मिला है। ओके, तो इंटरनेशनल मदर डे जो 21 फरवरी को मनाया जाता है, बेसिकली जो आपकी मातृभाषा है उसको सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। आपका मतलब लोकल लैंग्वेज और आपका थोड़ा मातृभाषा अलग हो जाए, जैसे मातृभाषा इज द हिंदी, हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोकल लैंग्वेजेस भी होती है, जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज है मालवी जो इंदौर के अंदर बोली जाती है, आपकी कुछ और होगी, बघेली होगी, कुछ और होगी। तो सर से मातृभाषा जो है आपका मदर लैंग्वेज डे जो है 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का जो थीम था वो था इंडिजिनियस लैंग्वेज एज अ फैक्टर इन डेवलपमेंट पीस एंड द रिकंसिलिएशन। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो इंटरनेशनल आपका शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया और ये कंट्रोवर्सी के अंदर भी अभी कल ही आया है। तो अभी ये वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक और इसके अंदर जो आपका टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक होने वाला है उसके 16 जो कोटा है इसके अंदर यहाँ पे शामिल है, किसके अंदर यहाँ पे 16 कोटास होंगे जिसके अंदर आप डायरेक्ट जो खिलाड़ी हैं वो आपके ओलंपिक के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो इंडिया जो है 23 मेंबर और 11 शूटर्स के साथ में इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत ने भी पाकिस्तान के 2 शूटर्स को वीजा देने से मना कर दिया कि हम इनको वीजा नहीं दे रहे। उसके बाद जो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है उसने भारत के ऊपर जो है किसी भी प्रकार की इंटरनेशनल इवेंट करने के ऊपर बैन लगा दिया है फ्यूचर के अंदर। ठीक है, हमने पाकिस्तानियों को वीजा लेने से मना कर दिया था, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर इसके कारण आ गया है। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो एक नया मोबाइल ऐप जस्टिस जो है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके द्वारा लॉन्च किया गया, इट्स कॉल्ड द टैली लॉ मोबाइल ऐप, न्याय बंधु उसका नाम रखा गया। इस ऐप के अंदर बेसिकली अगर आपको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो इस ऐप के द्वारा आप अपना क्वेश्चन डाल के वहां पर हेल्प ले सकते हैं। जो मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इस ऐप को यहाँ पे लॉन्च किया है। तो अभी बहुत सारी अथॉरिटीज आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा और सालसा जिसको हम बोलते हैं, उनके द्वारा जो है ये ऐप को पूरा मैनेज किया जाएगा। NLSA नालसा और सालसा जो है वो स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के ऊपर लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो आपकी लोक अदालतें लगती है। तो नेशनल लेवल के ऊपर नालसा उसको ऑर्गेनाइज करता है, स्टेट लेवल के ऊपर सालसा जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है। तो ये आपके लोक अदालत ऑर्गेनाइज करने का बेसिकली काम करते हैं। ओके, अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो 8th वर्ल्ड CSR कांग्रेस 2019 जो है मुंबई के अंदर यहाँ पर आयोजित की गई। CSR इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो भी कंपनी होती है 2016 के अंदर आपका जो कंपनी एक्ट है, इंडियन कंपनी एक्ट, उसके अंदर संशोधन किया गया। वहाँ पर जो भी कंपनीज हैं जिनका टर्नओवर जो है 200 करोड़ से ऊपर है तो उनके अपने जो भी प्रॉफिट उनका होता है, प्रॉफिट का 2% उनको CSR के सामाजिक कार्य के अंदर उनको खर्च करना पड़ता है। तो पूरे विश्व की इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस है वो नई दिल्ली के अंदर यहाँ पर आयोजित की गई थी। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक
आईआईटी बीएचयू जो है, आईआईटी बनारस जो है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके अंदर यहाँ पर परम शिवाय नाम से एक आपका सुपर कंप्यूटर जो है उसको यहाँ पर उन्होंने इनोग्रेट किया है। 833 टेराफ्लॉप्स जो है इसकी कैपेसिटी है और 32 करोड़ रुपए की लागत से ये इसको आईआईटी बीएचयू द्वारा बनाया गया है। इसका टोटल जो स्टोरेज कैपेसिटी है इट्स 1 पेटाबाइट, मतलब तकरीबन आपकी 1000 टेराबाइट के बराबर इसकी पूरी कैपेसिटी है। अभी गवर्नमेंट ने 2016 के अंदर एक नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन, सुपर कंप्यूटिंग मिशन लॉन्च किया था जिसकी 45 करोड़ रुपए की लागत से, जिसके अंदर पूरे देश के अंदर 73 सुपर कंप्यूटर देश के अंदर बनाए जाने 10-12 अभी तक बन चुके हैं। पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था देश का, जो 1991 के अंदर लॉन्च किया गया था। देखो यार कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर हमारे बीएचयू के लोगों ने, बीएचयू के इंजीनियर्स ने बनाया है। अगली खबर की बात करें तो एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस जो 14th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस जो है वो नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई, जहां पर इसका जो थीम था वो इनोवेशन फॉर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन इसका थीम रखा गया। अगली खबर की बात करें तो 4th इंडिया आसियान एक्सपो समिट जो है नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई, और ये जो समिट है बेसिकली फिक्की है उसके द्वारा आपका आयोजित की जाती है, जहां पर इंडिया और एशियन जो आसियान कंट्रीज है, आसियान कंट्रीज आर द वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया एंड ब्रुनेई। ये 10 नाम आपको याद होना चाहिए, नाम रट लेना कोई ट्रिक बना के, एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो कंट्रीज है इन कंट्रीज के द्वारा इंडिया और आसियान के बीच में ये ऑर्गेनाइज किया गया था। अगली खबर की यहाँ पर बात करें तो वेटरन फिल्म आपके जो प्रोड्यूसर है इट्स राजकुमार बड़जात्या, उनका देहांत हो गया है। ठीक है, तो जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर थे, बहुत सारी मूवी जैसे हम साथ साथ हैं, हम आपके हैं, कौन, विवाह, प्रेम रतन धन पायो, मैं प्रेम की दीवानी, वैसे कई मूवीज उन्होंने बनाई थी जिसमें मेरी फेवरेट है हम साथ साथ हैं। काफी अच्छी मूवी, काफी फैमिली मूवी है, ठीक है, जब भी देखो ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, तो ये उसको डायरेक्ट करते थे। उसके अलावा जो सूरज बड़जात्या उनका जो बेटा है वो इन फिल्म को, ही वाज अ प्रोड्यूसर एंड उनका बेटा जो सूरज बड़जात्या जो है वो इस फिल्म का, इन फिल्म के डायरेक्टर हुआ करते थे। ठीक है, तो उनका देहांत हो गया है। सो इस खबर के, इस लेक्चर के अंदर इतना ही फ्रेंड्स, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जाने के बाद आपसे रेटिंग मांगी जाएगी तो प्लीज रेटिंग करके जाइएगा, और अगली क्लास के अंदर जो है फरवरी के 4th वीक का करंट अफेयर जो है हम कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। ये मेरे से ही पूछ रहा क्लास कैसी लगी, ये मेरे से ही पूछ रहा क्लास कैसी लगी। बता दिया।